तो प्रीमियर प्रो में जो आठों से फाइल्स होते हैं वो मैंने सारे डिलीट कर दिए, सारे के सारे। उसके बाद मेरा जो प्रीमियर प्रो है वो क्रैश हो गया। यार मैं कल रात वीडियो एडिट करने बैठ गया, जो प्रीमियर प्रो यूजर है वो समझेंगे। तो प्रीमियर प्रो में जो ऑटो सेव फाइल्स होते हैं वो मैंने सारे डिलीट कर दिए, सारे के सारे। उसके बाद मेरा जो प्रीमियर प्रो है वो क्रैश हो गया। तो 3 घंटों की मेहनत के बाद फाइनली मेरा जो प्रीमियर प्रो था वो रिकवर हो गया। अब हम कल वाला ब्लॉग एडिट करेंगे, तब आपसे मिलेंगे। एक छोटी सी गलती की वजह से जो वीडियो 2 घंटों में एडिट होनी थी उस पर सारा दिन लग गया। वो कहते हैं ना, अकल बादाम खाने से नहीं बल्कि टक्कर खाने से आता है। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, जो चीज समझ नहीं आती उसमें घुसपैठ मत करें, वरना पछताओगे मेरी तरह, कसम से। यार ये इडा प्रीमियर प्रो में जो प्रॉब्लम हुई है, अगर मैं इसका सलूशन न बताऊँ तो आज के ब्लॉग का फायदा क्या। So let's go towards the laptop, okay? Sorry guys, I don't have a screen recording in my laptop, तो अब इससे काम चलाना पड़ेगा। तो ये रहा मेरा Adobe Premiere Pro का फोल्डर, ठीक है। और ये फोल्डर जो है लोकल डेस्क ई में पड़ा है, ठीक है। और ये रहे ऑटो सेव फाइल्स। लेट्स से ये सब फाइल्स जो है मुझसे डिलीट हो गए, ठीक है। तो जब भी मैं Premiere Pro को खोलने की कोशिश करूँगा तो ये क्रैश होगा, ठीक है। तो इसका जो सिंपल सलूशन है, इसको यहाँ से कट करके लोकल डिस्क सी में जो है वो पेस्ट करेंगे, तो आपका जो क्रैश वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ये सिंपल सलूशन है। इस बोया BY-MM1 माइक के साथ 2 केबल आते हैं, एक केबल कैमरे के लिए होता है और एक फ़ोन के लिए होता है। तो मैं पिछले ब्लॉग्स में जो है वो कैमरे का केबल यहाँ पे यूज़ करता था फ़ोन पे, तो उसी वजह से आवाज़ की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी प्रीवियस ब्लॉग्स में। लेकिन इंशाल्लाह अब मैं समझ गया कि ये दोनों केबल्स क्यों थे, तो अब आवाज़ की कोई शिकायत नहीं होगी, आई होप सो। आज का पूरा दिन तो एक ब्लॉग एडिट करने पे वेस्ट हो गया। आई नो आज का ब्लॉग जो है वो थोड़ा मज़े का नहीं है, लेकिन मैंने अपने आप से वादा किया है कि मैं डेली ब्लॉग्स बनाऊंगा, तो आई नो प्लीज कोऑपरेट। बस आज के लिए इतना ही। लिव योर लाइफ, लिव योर पॉजिटिव ड्रीम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। मतलब 4 घंटे लग गए एक छोटा सा ब्लॉग रेंडर होने में। व्हाट इज यार।